नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा मैं आपको दोस्तों तीन ऐसी चीज़ें जिससे आप अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में लीवर का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि दोस्तों हम जब बाहर की या फिर जो नॉर्मल घर की चीज़ें या हम जब खाते हैं या पीते हैं कोई चीज़ को, तो दोस्तों उसमें बहुत सारी चीज़ें तो सही रहती है हमारे शरीर के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब रहती है। तो दोस्तों लीवर का ही काम होता है कि अच्छी चीज़ों को तो अपने मतलब रख लेता है वो, और जो मतलब ख़राब चीज़ें उसको बाहर निकाल के फेंक देता है। तो दोस्तों उसमें आपके लीवर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए मैं तीन एक ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इससे आप डिटॉक्स कर सकते हैं अपने लीवर को। दोस्तों बहुत सारे लोगों में फैटी लीवर की समस्या हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, जैसे कि दोस्तों उनको अच्छे से खाने में दिक्कत आती है, खाना अच्छे से पचता नहीं है और पेट में भारी भारी सा लगता है, और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों का घर भी बनता है। तो दोस्तों उन सबको सही रखने के लिए, और प्रत्येक व्यक्ति को जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ये तीनों घरेलू चीज़ें इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लीवर को बहुत ही स्वस्थ रख पाएंगे और उसको डिटॉक्स कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें नंबर 1 जो रेमेडी आती है वो आती है दोस्तों आपके टर्मरिक यानी हल्दी। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सुबह जैसे आप सोकर उठे भूखे पेट, आपको ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ तीनों आपको 14 दिन तक करनी है। यदि आप ऐसा करते तो लीवर की कोई भी समस्या आपको होने वाली नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप सुबह सोकर उठें आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर दोस्तों आपको आधी चम्मच जो छोटी चम्मच होती है वो आपको हल्दी की डाल देनी है दोस्तों। वो डालने के बाद दोस्तों इसके अंदर क्या करना है, आपको चुटकी भर, एक चुटकी भर आपको डालना है दोस्तों आपके काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो डाल देना है दोस्तों, अच्छे से हिलाकर मिक्स करके पी लेना है दोस्तों। काली मिर्च का पाउडर दोस्तों एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करवा देता है, जिससे क्या है ये अपना फ़ायदा है, जो डबल फायदा होता है इसका। तो दोस्तों नंबर 1 ये चीज़ थी। सेकेंड दोस्तों आपको क्या करना है, आपको खाना खाने के 1 घंटे पहले दोस्तों 1 गिलास आपको गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर दोस्तों दो ढक्कन या 2 चम्मच बोल सकते हैं आप आंवले का जो जूस आता है दोस्तों वो डाल देना है, या तो आप मार्केट से अच्छे ब्रांड का बना लीजिए या फिर घर पर ही बनाकर 2 स्पून वो डालना है दोस्तों आपको, और 2 स्पून ही दोस्तों इसके अंदर आपको करेले का जो जूस होता है वो डाल देना है। इन दो सबको मिक्स करके अच्छे से, और फिर खाना खाने के 1 घंटे पहले लेना है। 1 घंटे पहले इसलिए कि दोस्तों अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, अपना अच्छे से वर्क कर सके। तो दोस्तों सेकंड चीज़ ये हो गई। थर्ड दोस्तों आपको क्या करना है, रात को सोते समय आपको दो आपके लहसुन आता है दोस्तों वो लेना है, उसकी 2 कली ले लीजिए, और वो आपको रात को सोते समय अच्छे से चबा चबा कर आप खाइए, या फिर चबाने में कड़वा लगता है और बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, तो आप उसको अच्छे से कूट पीस लीजिए, उसको पीसने के बाद उसको खाकर पानी पी लीजिए, या फिर मार्केट में इसके सप्लीमेंट मिलते हैं तो वो लेके आ जाइए और वो ले लीजिए। दोस्तों आप यदि ये कर दो आप देखेंगे 14 दिन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और आपका लीवर एकदम स्वस्थ हो जाएगा, और उस पर जो टॉक्सिन्स जमा हुए थे वो भी मतलब दूर हो जाएंगे, और एक हेल्थी लीवर हो जाएगा आपका। इसके अलावा एडिशनल के रूप में दोस्तों एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप दिन भर में 1 से 2 कप ग्रीन टी यूज़ कीजिए, वो भी आपके लीवर के लिए अच्छी रहती है, और दोस्तों एक्सेस में नहीं लीजिए, बस सिर्फ 1 से 2, और वो भी खाना खाने के बाद लेंगे आप ग्रीन टी, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और दोस्तों आपको यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों इस चैनल पर मैं डेली वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इसके अलावा प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट करिए, और आपकी कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पर भी बना सक दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।